सोच क्या रहे हैं? जो करने आए हैं वो कर तो लीजिए, स्कोर ही बढ़ाना चाहते हैं ना अपना। संतोष शर्मा का केस आपने सॉल्व किया है, आपने उसकी जान बचाई है, तो स्कोर तो आप ही का बढ़ना चाहिए। कर लीजिए, लेकिन हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। हम बस खुश हैं कि हम अपने फैमिली मेंबर को बचा पाए। सो प्लीज प्लीज गो अहेड। शुक्रिया, लेकिन एहसान और मेहरबानी से मिली जीत में वो मजा कहा, इसलिए इस केस की कामयाबी आप ही को मुबारक। नो थैंक्स। सबसे पहले संतोष शर्मा के पास आप पहुंचे थे तो ये केस आपका हुआ। हमें भी कोई एहसान या मेहरबानी नहीं चाहिए। और उस एहसान का क्या हसीना जी, जो आपने मेरी जान बचा कर किया? बॉम्ब वाले मामले में आपने हमारी जान बचाई थी, तो ये उसके बदले था और कुछ नहीं। वो मेरा फर्ज था, एहसान नहीं। तो ये हमारा फर्ज था, एहसान नहीं? मेरे लिए तो एहसान ही था, और फितरतन मैं भी किसी का उधार नहीं रखता, इसलिए मैंने जो आपके अगेंस्ट कंप्लेंट की थी मैं उसे वापस लेता हूँ। आपको किसी पॉलीग्राफ टेस्ट से गुजरने की जरूरत नहीं है। क्या? जी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हमारे थाने के बीच के कंपटीशन की लड़ाई खत्म हो गई। ये लड़ाई जारी रहेगी। ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट टू यू टू। आपने ये बिल्कुल ठीक नहीं किया सर। सर क्या जरूरत थी हसीना मैडम को माफ करने की, कंप्लेन वापस लेने की? वो जाने देते ना पॉलीग्राफ टेस्ट, दो मिनट में ये महिला पुलिस टीम इस थाने से बाहर होती और हम इस थाने पर राज करते सर। अरे दीवान जी, एहसान का उधार नहीं होना चाहिए। अब देखिए, हसीना मलिक ने हमारी जान बचाकर हम पर एहसान किया, हमने कंप्लेन वापस लेके वो एहसान चुका दिया, साहब बराबर। वही तो सर, आप इन औरतों के पैतरों को नहीं समझते हैं। ये पैदाइशी अभिनेत्रियां होती है, अभिनेत्री सर, ऐसे माया जाल बुनती है ना कि बड़े बड़े बुद्धिमानों की बुद्धि आउट, जैसे आपकी हो गई है। सर ये हसीना मैडम की चाल थी जिसमें आप फंस गए। मैं होता ना आपकी जगह सर, तू ये भूल कर भी गलती नहीं करता। अरे दीवान जी, अरे औरतें सर, औरतें, ऊपर वाले ने बनाया इनको ऐसा, धोखेबाज, मौका मिलते ही डसेंगी। सर गलती हम मर्दों की है जो इन औरतों पे भरोसा करके अपना सर्वनाश कर बैठते हैं सर। अरे दीवान जी, सामने तो देखिए, मरवाएंगे आप अभी। सॉरी सर। पर हमें नहीं सुननी, आप क्यों बकवास करी जा रहे हैं? सर सुननी पड़ेगी। मतलब जबरदस्ती है? हाँ जबरदस्ती है सर, भूलिए मत, भले हम आपके जूनियर हैं लेकिन आपकी ट्रेनिंग हमारे अंडर हुई है, तो उस हिसाब से हम आपके सीनियर भी हुए ना सर, तो आपको मेरी बातें भी सुननी पड़ेंगी। ठीक है, तो एक काम करिए, गाड़ी साइड में लगाइए ना। क्या हुआ सर? नहीं, अभी आपकी बात सुननी पड़ेगी, तो थोड़े ठंडे दिमाग से सुननी पड़ेगी ना। वो देख रहे हैं दुकान सामने, आप एक काम कीजिए, वहां से ठंडे पानी की बोतल लेके आइए। अभी लाए सर? इन औरतों का माया जाल फंसा दिया ना हमारे सर को भी। बनारस पान ले लो, कलकत्ता पान ले लो, 120 की मान सुपारी, इलायची, लवंग, सौ पान ले लो भाई साहब, पान ले लो, पान ले लो भाई साहब, ले लो ना पान, ले लो मौनी का पान, ले लो पान, नहीं खाते हो? कौन अपना बिल्ला? हाँ पान, हाँ पीछे बनारस कलकत्ता पान। माँ हाथ को क्या हो गया? हाँ, इनको बहुत शौक है ना उछल उछल के गुंडों को मारने का, ये उसी का नतीजा है। ओ माँ। वो सब छोड़ो, तुमने क्या नया थाना ज्वाइन कर लिया? उसका वेशभूषा है क्या? क्या है ये सब? थाने में रहता था तब तो ये पेट तो भर जाता था, मुफ्त का राशन मिल जाता था, लेकिन अभी इस पापी पेट के लिए कुछ ना कुछ करना है, तो इसीलिए पान बेच रहा हूँ। देखो ये पान बेचता हूँ तो शाम में खान पान और जाम का इंतजाम हो सकता है। जाम का इंतजाम?
माँ ले लो पान ले लो ना माँ माँ ले लो पान ले लो अभी ड्यूटी पर है ना बिल्ले नहीं खा सकते तो अभी ले लो ड्यूटी की बात खाना नहीं नहीं बासी पान हमें अच्छा नहीं लगता माँ सुबह सुबह एक पान भी का है ना आधा सुपारी पान ले लो लुकाओ ना अरे ना ड्यूटी पे है समझ में नहीं आता ड्यूटी तो एक बहाना है असल में पैसे बचाना है आप दोनों कंजूस हो एक बड़ी कंजूस एक छोटी कंजूस बड़ी कंजूस माँ पान खा लो ना आपको खाता देखकर लोग भी खाएंगे मेरा खाता शुरू हो जाएगा ले लो माँ हेलो 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 पान ले लो पान ले लो मंगा कुछ ऐसे मंगा तुम्हारी हिम्मत कैसी है ऑन ड्यूटी वो पुलिस ऑफिसर कैसे पान खुलाने की हाँ जिंदगी से संबंध खराब हो गया लगाएंगे कंटाप अभी क्या ये बोलिए बस लगाइए उनको कंटाप माँ तुमको तो पान पसंद है ना माँ अरे मगर शनिवार का व्रत इन्हें नहीं खा सकते नहीं जा सकते पान खा के कहीं भी जा सकते लीगल है माँ क्या ढूंढ क्या रही हो पत्थर मारने के लिए फिर रास्ते पे थूकना अलाउ नहीं है मैं अभी रास्ते पे थूकेंगे तो वायरल कर दूंगा आपको वीडियो बना के हाँ फिर मत कहना कि अपनों ने ही अपना पर्दाफाश किया आप शांत हो जाइए कुछ नहीं होगा आपको शांत हो जाइए पुलिस आपके साथ है आप पुलिस प्रोटेक्शन में है कुछ नहीं होगा आपको कौन आपको मार डालेगा कौन है वो इंसान बताइए यहाँ तो कोई नहीं है वो यहीं पे तो था वो शायद पुलिस वालों को देखकर भाग गया मैं बहुत अच्छे जानती हूँ प्लीज मुझे बचा लीजिए तुम बिल्कुल मत घबराओ हम आपके साथ है टेंशन मत लो पान खाओ बिल्कुल मटे आप एक काम कीजिए आप हमारे साथ थाने आइए आप रिपोर्ट लिखवाइए विस्तार पे बात करते हैं और आपको कुछ भी नहीं होने देंगे हम विश्वास रखिए हम पे चलिए हमारे साथ एक मिनट आप कहाँ आ रही है हटिए आप आइए और आप रिक्शा से आइए नहीं कुछ 4-5 दिन पहले की बात है मैडम मैं घर से निकली थी तो वो मेरा पीछा कर रहा था मैंने इग्नोर किया मुझे लगा कि कोई लफंगा होगा खुद ही चला जाएगा संत जी आपने लिखिए हम पकड़ लेते हैं और अगले दिन भी वो मेरा पीछा कर रहा था मैं जहाँ जा रही हूँ वहाँ वो मेरा पीछा कर रहे मैं मार्केट जा रही हूँ मंदिर जा रही हूँ हर जगह वो मेरा पीछा कर रहा है फिर मुझे लगा कि नहीं इतना भी नॉर्मल नहीं है जितना मुझे लग रहा है मैं इतना डर गई थी कि मैं पूरा दिन घर से नहीं निकली मैडम फिर वो हुआ मैडम जो मेरे शक को यकीन में बदल दिया शांत होकर इत्मीनान से बताइए क्या हुआ आगे आज तो हाथी हो गई मैडम सीधा वो मेरे घर घुस आया उसके हाथ में ना चाकू था उसने चाकू से मुझ पर हमला किया मैं किसी तरीके से जान बचाकर भागी वो तो कहीं करिश्मा मैडम मुझे मिल गई वरना आज तो वो मुझे मार डालता नहीं मतलब जब वो आपके घर में इसे घुसा तो उस समय आपके घर में और कोई नहीं था क्या नहीं थोड़ा और प्यार से हंसते हंसते पूछता ना ज्यादा स्माइल ना तू हाँ हुलिया बता सकती है आप मतलब वो दिखने में कैसे थे कोई खास पहचान जिससे हमारी हेल्प हो सके हाँ उसने उसने मरून कलर का शेरवानी पहना हुआ था और वो सेहरा पहना हुआ था और व्हाइट कलर का पैजामा और गोल्डन कलर की मोजरी थी क्या लगता है आपको आप किसी पे शक है आप कोई नाम ले सकती हैं हाँ है तो एक ऐसा आदमी पर मुझे नहीं लगता कि वो ऐसा कुछ कर सकता है ई का बात हुआ कि मतलब है तो ऐसा आदमी जिस पर आप शक कर सकती हैं लेकिन उस पर यकीन नहीं है कि ऐसा कर सकता है मैडम थोड़ा क्लियर समझाइए हाँ आज से 5 साल पहले एक लड़का था नंदू वो मेरा पीछा किया करता था कभी उसने कुछ कहा तो नहीं लेकिन मुझे पता चल गया था कि उसके मन में क्या चल रहा है क्योंकि उसने कभी मेरे साथ बदतमीजी नहीं की कभी मेरे साथ मिसबिहेव नहीं किया पर जिस दिन मेरी शादी थी
उस दिन पता नहीं उसे क्या हो गया, सहरा पहन के चाकू लेकर मुझे किडनैप करने चला आया। फिर पकड़ा गया, लोगों ने खूब मारा, पुलिस के हवाले कर दिया। तो फिर आपको ऐसा क्यों लगता है कि वो लड़का नंदू नहीं हो सकता? नहीं मैडम, नंदू पे बहुत से चार्जेस लगे हैं, मैंने कम वर्क किया है, मैं जानती हूँ ये कोई और ही है जो उसी तरीके से सहरा पहन के चाकू लेकर मुझे मारना चाहता है। मैडम शांत हो जाइए, चिता चतुर्वेदी के इलाके में जाइए, सीसीटीवी फुटेज निकालिए और देखिए क्या पता चलता है, ठीक है? जी मैडम सर, होकर आते हैं। वही तो। हाँ बोल तो संतोष जी। चिता तू बदल गया है, पहले वाला चीता होता ना तो क्या कहता पता मैडम सर को, हम संतोष जी को भी ले जाए एक से भले दो, और अभी वाली चीता ने क्या कहा, हाँ हम होकर आते हैं। अरे हम बोलने वाले था। एक काम कीजिए संतोष शर्मा, आप भी चीता चतुर्वेदी के साथ चले जाइए, बेहतर होगा। जी मैडम सर, आप कह रही हैं इसलिए मैं जा रही हूँ। संतु जी झूठा, अरे यार कैसा, जाइए संतु जी। रिलैक्स, देखिए आप इत्मीनान रखिए, हम इस बात की जड़ तक जरूर पहुंचेंगे, ठीक है? करिश्मा सिंह गाड़ी निकाली है, इन्हें घर छोड़ाते हैं और साथ ही इनके घर वालों से भी बात कर लेंगे, देखते हैं क्या पता चलता है। जी मैडम सर, चलिए। झूठी। क्या? वो लड़की त्रिशा झूठ बोल रही है वो। और ऐसा क्यों लगता है आपको? पुलिस वाले हैं हसीना जी, घास नहीं काटते, ये देखकर ही समझ जाते हैं कि कौन सच बोल रहा है कौन झूठ, और वो औरत सरासर झूठ बोल रही है, मनगढ़ंत कहानियां बना रही है। पुलिस वाले हम भी हैं मिस्टर अमर विद्रोही, सब्जियां नहीं बेचते, लेकिन क्या है कि आपको औरतों का मामला आया कि कुछ ज्यादा ही प्रॉब्लम होती है। नहीं, यहाँ बात मर्द और औरत की नहीं लॉजिक की हो रही है हसीना जी, और उसकी स्टेटमेंट में इतने इलॉजिकल एस्पेक्ट थे कि कोई नॉर्मल पुलिस वाला भी देखकर समझ जाएगा वो झूठ बोल रही है। और देखिए ना, आजकल इतने लूपहोल्स तो सास बहू के ड्रामा में भी नहीं होते जितने उसकी कहानी में थे, और मैं आपको लिख कर दे सकता हूँ वो औरत किसी को फंसा रही है, इसलिए पूरी प्लानिंग की हुई है उसने। यही बुनियादी फर्क तो समझाना है डिपार्टमेंट को, आपने जो है उस औरत की कहानी में लूपहोल्स देखे जो कि सही है, हमने भी देखे, लेकिन हमने उसके साथ साथ उसकी आंखों में वो डर, उसके थरथराते हाथ, उसकी आवाज में वो खौफ सुना, महसूस किया, जो कि आपने बिल्कुल नहीं किया। औरतों को जज्बात से समझना पड़ता है मिस्टर अमर विद्रोही, लॉजिक से नहीं, लेकिन ये बात आपके जैसा मशीन कभी समझ नहीं पाएगा। उस औरत को हमारी मदद की जरूरत है, जो हम करेंगे। टाइम वेस्ट करेंगे, देखते कैसे पता करें, ना कोई सीसीटीवी फुटेज है, ना इधर कोई मतलब आदमी सब, भैया सुनिए ना, किसी को दूल्हा को देखे किसी का मर्डर करते हुए उसके पीछे भागते हुए? नहीं देखे तो कहाँ देख रहे, देखा कीजिए ना मर्दे, ठीक है जाइए। इतना ज्यादा संतु जी, चीते तू बहुत बदल गया है, तेरा प्रपोजल एक्सेप्ट करने से पहले तो कुछ और था और अभी तो कुछ और है। और इसे कहे लग रहा है आपको संतु जी? क्योंकि तू पहले ऑफ ड्यूटी हो या ऑन ड्यूटी हो, तू हमेशा मेरी तरफ ही देखते देखते काम करता था, और अभी पिछले 5 मिनट से ना ही तूने मेरी तरफ देखा और ना ही मेरी तरफ देखे, उफ ये मासूमियत बोला, तूने अवॉइड करने लग गया चीते। सॉरी, अगर आपको बात का खराब लगा तो सॉरी, लेकिन ये भी समझने वाला बात है ना संतु जी, खाली प्रेम सूत्र में लगे रहेंगे तो केस सूत्र को कैसे सॉल्व करेंगे? ठीक है हाँ। तू मेरी तरफ देख और मेरी तरफ ही देखते रह, काम मैं संभालूंगी, ठीक है? ठीक है संतु जी। दिन दहाड़े एक आदमी एक औरत के पीछे चाकू लेके भाग रहा था, और उस आदमी को किसी ने देखा कैसे? नहीं, किसी आदमी को देखिए आप मर्डर ना बै। रुक जाइए पुष्पा जी छोड़ूंगा नहीं। पुष्पा जी, एक मिनट चचा, दीवाना चचा का हो गया, कहा इंसान से ड्रकुला बने पड़े हैं यार आप। तुम बीच में मत पड़ो वरना तुम्हारा भी खून पी जाऊंगा, आज मैं पुष्पा जी को छोड़ूंगा नहीं। एक मिनट, किया क्या है इन्होंने? क्या किया है? ये किया है आपकी पुष्पा जी ने। मैं बताता हूँ, सब रिकॉर्ड किया है, सारी कहानी कैमरे की जुबानी दिखाओ। देखो
ये देखो आपका वीडियो बन गया। तुमको तो हमने, अरे ये बाप किसने धोखा? पुष्पा जी, पुष्पा जी, आपको सार्वजनिक जगह पर गंदगी फैलाने के लिए मैं आपको गिरफ्तार करता हूँ। चलिए थाना, चलिए। एक सेकेंड, टेक्निकली इन्होंने पब्लिक प्लेस पे नहीं थूका है, इन्होंने आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी पर थूका है। हाँ। और वैसे भी कूड़े पर कूड़ा फेंक दिया, कौन सा जुर्म कर दिया? क्या बोला? नहीं, कहने का मतलब ये चाचा कि अगर मानिए आप इनको गिरफ्तार करवाएं और वहाँ पर जाकर ही बोल दी कि हम तो दीवार के पीछे थूक रहे थे, वहाँ पर आप खड़े होकर क्या कर रहे थे, तो क्या कहिएगा? अब सबको देख लूंगा। हाँ हाँ, देख लेना। गया माँ। जी माता जी, इस बार जो है त्रिशा पर हमला घर में ही हुआ है। आप में से किसी ने कुछ भी देखा है ऐसा कुछ जिसे हमें हमलावर तक पहुंचने में मदद मिल सके? अरे वाह, देखो आई। जी मैं तो अपने रूम में सो रही थी, मैंने तो ना कुछ देखा ना कुछ सुना है। मैं भी कुछ नहीं देखा ना ही सुना, मैं उस वक्त भी अपने कमरे में पूजा ही कर रहा था। अरे मेहंदी लगाना बंद करो तो पता चले ना कि बाल सफेद है या नहीं। और माता जी आप? सुनो सुनो, सुधारने की जरूरत हमें नहीं। माता जी तुम बहुओं को है मम्मी जी, उसके लिए भी ना दिमाग चाहिए। माता जी, जो तुम लोगों के पास बिल्कुल नहीं। जी आपने कुछ देखा, आपने कुछ सुना? माता जी, माता जी, ले तोड़ दिया कलश। मुझे तो पता ही था ये कुछ ना कुछ तो गड़बड़ करेगी, कैसी बहू है ये। अब कुछ पूछ रही थी मुझे? जी, पूछ रहे थे। पूछो, क्या पूछना है? देखा आपने? किसको? हमारे चाचा को, बहू के हमलावर का बात हो रहा ना, उनको देखा आपने? हाँ बिल्कुल साफ साफ देखा। का माँ, उस कमीने की शक्ल में कैसे भूल सकती हूँ? खिड़की से आया और टूट पड़ा बहू पर। इसका मतलब आप जानती हैं कि आपकी बहू पर हमला किसने किया है? बिल्कुल जानती हूँ। मतलब आप जानती हैं कि बहू पर हमला किसने किया है? बिल्कुल जानती हूँ। बहुत बढ़िया, अगर हम स्केच आर्टिस्ट बुलाएंगे तो आप उसे डिस्क्राइब कर सकती हैं ताकि हम हमलावर तक पहुंच सके। अरे उसकी क्या जरूरत है, मुझे पता है ना, मेरे पास है उसका फोटो। रुको मैं अभी बताती हूँ तुम्हें, पकड़। ये देखो, ये है वो कमीना, असली गद्दार, इसी ने तो बहू पर हमला किया है। ये तो बहुत फेमस टीवी एक्टर हैं, विक्रम वर्मा। नेगेटिव रोल करते हैं शायद। तो क्या? अरे यही तो है जिसने कंचन पर हमला किया। कौन कंचन? अरे कस्तूरी के दूसरे बेटे की तीसरी बीवी। कौन कस्तूरी? वो बिमला की पहली माँ। हाँ। एक मिनट, आप क्या हमारे दिमाग का ना गुब्बारा उड़ा रहे हैं सबकी सब? ये कौन सा खानदान है, किसका राशन कार्ड खोल के बैठ गए हैं आप सब लोग? कौन बिमला टिमला मिमला किमला, कौन है ये बिमला? अरे सुगंधा के दूसरे पति की पहली बेटी। भाभी शांत हो जाओ प्लीज, मुझे बात कर लेने दो। मैडम जी वो क्या है ना कि भाभी जो सीरियल देखती है ना, ये सब उनके किरदार है, और कंचन उस सीरियल में बहू है। हमला कंचन पर जो हुआ था ना, उस सीरियल में हुआ था। भाभी को लगा कि शायद आप उसी की तहकीकात कर रही हैं। अच्छा तो कौन से हमले के बारे में पूछ रही थी आप? पुलिस यहाँ क्या कर रही है? हमें S.H.O हसीना मलिक, महिला पुलिस थाना जनपद लखनऊ। हमें ऐसा है करिश्मा सिंह। जी आप कौन? ये मेरे हस्बैंड है भरत।
आपको पता है ना आपकी बीवी पर हमला हुआ है, घर पर भी और बाहर भी। हाँ, उसी का ही तफ्तीश करने आए हैं हम यहाँ। क्या, त्रिशा पर हमला? जी, सुबह 9 बजे आप कहाँ थे? 9 बजे तो मैं बैंक गया था, कुछ जरूरी काम था इसलिए। अभी तो वहीं से लौटा हूँ मैं। ठीक है, करिश्मा सिंह इन्हें थाने ले चलिए। क्यों थाने क्यों मैडम? क्योंकि आप झूठ बोल रहे हैं। ये महीने का सेकंड सैटरडे है और सेकंड सैटरडे को सारे बैंक्स बंद होते हैं, इसलिए अब आप सच्चाई उगलेंगे और थाने चलकर।